दोस्तों, एक नागिन अपने नाग से बहुत प्रेम करती है, इसीलिए अगर कोई व्यक्ति उसके नाग को उससे जुदा करता है या मार देता है तो नागिन उसका बदला जरूर लेती है या फिर वहीं पर अपना फन पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। जब खेत जोत रहे एक किसान के हल से कटकर एक नाग की मौत हो गई, फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, ताकि भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, बात उस समय की है जब किसान के पास खेतीबाड़ी करने के लिए कोई उन्नत साधन नहीं थे। तब किसान सिर्फ हल बैल का उपयोग करते थे। तब सभी लोग खेतीबाड़ी पर ही निर्भर रहा करते थे। उस समय किशन पाल नाम का एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी एक नाग उसके हल के नीचे आ गया। नाग हल में फंस गया और कटकर मर गया। किशन पाल ने उसे देखा तो खेत से बाहर फेंक दिया और सोचा कि ऐसे सांप तो आए दिन निकलते ही रहते हैं। किशन पाल ने अपना काम खत्म किया और घर चले गए। अगले दिन जब वो अपने खेत पर गए तो उन्होंने वहाँ एक अनोखा ही नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि जहाँ उन्होंने उस मरे हुए नाग को फेंका था, वहीं एक नागिन उसके शरीर से लिपटी हुई है और जोर जोर से अपना फन जमीन पर पटक रही है। किशन पाल कुछ देर तक यह सब देखते रहे। उसके कुछ देर बाद किशन पाल ने देखा कि वो नागिन अब कुछ हलचल नहीं कर रही है, तो किशन पाल ने पास जाकर देखने की कोशिश की। जब वो उसके पास पहुँचे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस नागिन ने भी अपने नाग के पास ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। किशन पाल ने यह सब देखा तो उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि उनकी वजह से आज एक नागिन की मौत हुई है। उन्होंने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और उसी जगह जहां नाग की मौत हुई थी वहीं दोनों का अंतिम संस्कार किया और उसी खेत के एक कोने पर नागिन का एक मंदिर भी बनवा दिया, जहां आज भी नाग पंचमी के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और लोग नागिन की मूर्ति पर दूध इत्यादि अर्पित करते हैं और सुख समृद्धि की दुआ करते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना।